हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमिनिस्ट राइटर्स की, और फेमिनिस्ट राइटर्स में भी हम बात करेंगे एलन शोवाल्टर जी, और उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है गायनोक्रिटिसिज्म, उसके बारे में बात करेंगे। और सेकेंड नंबर पर हम जिस फेमिनिस्ट राइटर की बात करेंगे वो है हेलन सिज़ो, और हेलन सिज़ो के हम जो टर्म है एग्रीचर फेमिनिन, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों ही टर्म जो है नेट में पूछी गई हैं, तो और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलन शोवाल्टर नंबर वन पे है। एलन शोवाल्टर, एलन शोवाल्टर बोर्न January 21, 1941 में जो है इनका बर्थ हुआ था, इज एन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, फेमिनिस्ट एंड राइटर ऑन कल्चरल एंड सोशल इश्यूज। एलन शोवाल्टर कल्चरल और सोशल इश्यूज पे जो है राइट करती हैं, बेसिकली लिटरेरी क्रिटिक हैं, फेमिनिस्ट राइटर हैं। शी इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ लिटरेरी फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट के अंदर लिटरेरी क्रिटिसिज्म की फाउंडर हैं वो। एकेडमी ऑन डेवलपिंग द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ गायनोक्रिटिसिज्म, और उन्होंने जो कंसेप्ट दिया है वो गायनोक्रिटिसिज्म का दिया है। ए टर्म डिस्क्राइबिंग द स्टडी ऑफ वीमन एज राइटर्स, और इसकी अगर आपको डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है तो उसकी गायनोक्रिटिसिज्म टर्म का मीनिंग है वीमन एज राइटर्स जो है, ये इसका मीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, बेस्ट नॉन इन एकेडमिक एंड पॉपुलर कल्चरल फील्ड, शी हैज़ रिटन एंड एडिटेड न्यूमरस बुक्स, बहुत सारी बुक्स को उन्होंने एडिट किया है। एंड आर्टिकल्स फोकस्ड ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने राइट किए हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर उन्होंने। एंड फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म टू फैशन, फैशन के ऊपर जो है फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है उन्होंने राइट किया है। समटाइम्स स्पार्किंग वाइड स्प्रेड कंट्रोवर्सी, और कई बार जो है बहुत सारी उनको कंट्रोवर्सी का को भी फेस करना पड़ता है, स्पेशली विद हर वर्क ऑन इलनेस, इलनेस के इलनेसेस के ऊपर उन्होंने जो अपना जो लिखा था क्रिटिसिज्म, तो उसके ऊपर उन जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। शोवाल्टर हैज़ बीन इंटेलिजेंट क्रिटिक फॉर पीपल मैगजीन, और वो पीपल मैगजीन की जो है वो एक इंटेलिजेंट क्रिटिक भी है। एंड एक कमेंटेटर ऑन BBC रेडियो एंड टेलीविजन, BBC रेडियो के टेलीविजन के लिए कमेंटेटर का भी काम करते हैं। शी इज़ द रेसिपियंट ऑफ द ट्रूमैन कैपोट अवार्ड फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, के लिए उनको जो है ट्रूमैन कैपोट अवार्ड भी जो है मिला हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उनके वर्क्स, वर्क्स जो है एलन शोवाल्टर बेस्ट नॉन वर्क्स आर टूवर्ड्स ए फेमिनिस्ट पोएटिक्स, ये इनका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, और ये जो गायनोक्रिटिसिज्म जो टर्म इन्होंने दी है वो इसी वर्क्स के अंदर दी है। 1979 के अंदर पब्लिश हुआ था, द फीमेल मेलेडी, वीमेन मेडनेस एंड इंग्लिश कल्चर, 1830 से लेके 1980 तक, और ये पब्लिश हुआ था 1985 के अंदर। सेक्सुअल एनार्की, जेंडर एंड कल्चर एट द फिंडिस 1990 के अंदर। हिस्टोरीज, हिस्टोरीज जो है ये स्पेलिंग हिस्टोरीज नहीं है स्टूडेंट्स, हिस्टोरीज है। हिस्ट्रिकल एपिडेमिक्स एंड मॉडर्न मीडिया 1997 के अंदर पब्लिश हुआ। एंड इन्वेंटिंग हरसेल्फ, क्लेमिंग ए फेमिनिस्ट इंटेलेक्चुअल हेरिटेज 2001 के अंदर पब्लिश हुआ। तो ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, तो ये आपको जो है याद होने चाहिए। तो एग्ज़ाम के अंदर इनके वर्क्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो इनके वर्क्स में कि कौन कौन से जो इनके वर्क्स हैं। गायनोक्रिटिसिज्म, गायनोक्रिटिसिज्म और गायनोक्रिटिक्स इज द टर्म क्वाइंड इन द 70s बाय एलन शोवाल्टर। एलन शोवाल्टर ने जो है ये इस टर्म को इन्वेंट किया है। इन हर 1979 का जो है ऐसे है इनका टुवर्ड्स ए फेमिनिस्ट पोएटिक, ये इनके जो है इस ऐसे के का नाम है। टू डिस्क्राइब ए न्यू लिटरेरी प्रोजेक्ट इंटेंडेड टू कंस्ट्रक्ट ए फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन लिटरेचर, और इसका मेन जो काम क्या है, एक फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन, फीमेल लिटरेचर को स्टडी करना है और एक फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसका मेन फोकस है। इट फोकसेस ऑन लिटरेचर रिटन बाय फीमेल्स, इसका मेन एक्रीचर सॉरी गायनोक्रिटिसिज्म का मेन फोकस है स्टूडेंट्स कि फीमेल्स ऑथर को स्टडी करना है, फोकस करना है फीमेल ऑथर्स के ऊपर।
इट एम्स टू रिकवर लॉस्ट और नेग्लेक्टेड वीमेन राइटर्स, मतलब किन राइटर्स को स्टडी करना है जो कि लॉस्ट है और नेग्लेक्टेड राइटर्स, एंड टू अंडरस्टैंड इन इट्स स्पेसिफिसिटी वीमेन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सचुअल मीनिंग, और वीमेन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है लिटरेचर के अंदर, ये इसका इसका मेन फोकस है गायनोक्रिटिसिज्म का। ये स्टडी करती है उन राइटर्स को, उन फीमेल राइटर्स को स्टडी करती है जो कि लॉस्ट हो गए हैं या जिनको नेग्लेक्ट किया गया है लिटरेचर के अंदर। बाय एक्सपेंडिंग द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ वीमेन राइटर्स एज डिस्टिंक्ट लिटरेरी ट्रेडिशन, और ये मानती है कि जो फीमेल राइटर्स है उनका अपना एक डिस्टिंक्ट लिटरेरी ट्रेडिशन है, एक अलग लिटरेरी ट्रेडिशन है। Gynocritics sought to develop new models based on the study of female experience to replace main model of literary creations. और gynocritics जो है वो study करते हैं female writers, उनके experience बजाय कि वो male model को study नहीं करते, sorry male models के ऊपर जो है females को study नहीं करते, बल्कि वो खुद study करते हैं female writers को। And so map the territory left unexplored in earlier literary criticism. It means कि gynocritics जो है वो study करते हैं ऐसी territory को, ऐसी female territory को study करते हैं जो कि अभी तक unexplored है, यानी जिनको study ही नहीं गया, ऐसे female writers को जो कहीं ना कहीं ignore किए गए हैं literature के अंदर time period के अंदर, जो ऐसे बहुत सारे female, gynocriticism basically students मानते हैं कि ऐसे बहुत सारी फीमेल राइटर्स हुए हैं जिनको कि मेल राइटर्स के द्वारा या टाइम के टाइम पीरियड के दौरान जो है उनको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया है या उनको जो है स्टडी ही नहीं किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती फीमेल राइटर्स, वो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उनको नेगलेक्ट किया गया है। तो इनका मेन फोकस यही है कि ऐसे फीमेल राइटर्स को स्टडी किया जाए जो कि लॉस्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है गायनोक्रिटिसिज्म इज एन आइडिया री एग्जामिन हिस्ट्री। गायनोक्रिटिसिज्म का मेन आइडिया क्या है कि हिस्ट्री को री एग्जामिन किया जाए, पर्टिकुलर लिटरेचर इन हिस्ट्री इन लाइट ऑफ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेन। हिस्ट्री के अंदर जो फीमेल राइटर है उनको, वीमेन राइटर्स हैं उनको स्टडी किया जाए, और किसकी लाइट में, इन द लाइट ऑफ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेन, वीमेन ही उनको स्टडी करे, कोई मेल उनको स्टडी करे और ये कहे कि नहीं इस टाइम पीरियड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो ये कह रहे हैं फीमेल राइटर्स ही फीमेल राइटर्स को जो है स्टडी करें और दोबारा से हिस्ट्री को स्टडी करें और उसमें देखें कि फीमेल राइटर्स कहाँ कहाँ पे थी और कहाँ पे उनको नेगलेक्ट किया गया, कहाँ पे उनको इग्नोर किया गया। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिकल जेंडर बायस वीमेन हैव टिपिकली बीन डिसरिगार्डेड एंड देयर वर्क्स नेग्लेक्टेड। तो ये बोल रही है गायनोक्रिटिसिज्म की जो जेंडर बायस था, यानी मेल्स जो थे मेल सुपीरियोरिटी के कारण जो मेल्स ये सोचते थे दे आर सुपीरियर, तो उसकी वजह से जो है वीमेंस को जो है डिसरिगार्ड किया गया है और उनके वर्क्स को जो है नेगलेक्ट किया गया है। तो इनका मेन फोकस उसी के ऊपर है कि उनको स्टडी किया जाए। इन द लाइट ऑफ द कल्चरल व्यू ऑफ वीमेन गायनोक्रिटिसिज्म अटेम्प्ट टू गो बैक एंड एग्जामिन द ट्रू कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ फीमेल ऑथर्स एंड हिस्टोरिकल फिगर टू अंडरस्टैंड बोथ व्हाट दे ट्रूली अकॉम्प्लिश्ड एंड हाउ दे वर प्रोग्रेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ। पर्टिकुलर एम्फेसिस इज द डिसरिगार्ड फॉर वीमेंस इमोशन एंड फिजिकल हेल्थ। अब इनका जो मेन फोकस है गायनोक्रिटिसिज्म का वो ये है, गायनोक्रिटिसिज्म का मेन फोकस ये है कि वो दोबारा से हिस्ट्री में वापस जाना चाहते और एग्जामिन करना चाहते थे कि एक्चुअली में फीमेल ऑथर्स के साथ हुआ क्या था, क्या कल्चरल इम्पैक्ट था उनके ऊपर, क्या हिस्टोरिकल कौन कौन से हिस्टोरिकल जो है फिगर्स थे उस टाइम पे, और एक्चुअली जो है किस तरह से उनको प्रेस किया गया था उस टाइम पीरियड के दौरान। और इनका मेन फोकस ये था कि वीमेंस की जो फिजिकल हेल्थ है, उसके इमोशंस हैं, उनको भी जो है डिसरिगार्ड किया गया है उस सारे प्रोसेस के टाइम पे। द कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री इज हैवीली एग्जामिन्ड, और इस टाइम इस गायनोक्रिटिसिज्म के अंदर मेन कंसेप्ट जो है वो हिस्ट्री का है कि जो है वो एग्जामिन किया जाए। Because of the supposition that women would temporarily lose their minds, क्योंकि history के अंदर बहुत सारे text work के अंदर ये दिखाया गया है कि जो female हैं या तो वो angels हैं, goddess हैं, इस type से उनकी image create की गई है, या फिर उनको जो है एज ए विच दिखाया गया है, या जो उनको जो है पागलपन की stage उनकी दिखाई गई है।
तो ये जो गायनो क्रिटिसिज्म है बेसिकली वो उनका वो फोकस यही कर रहे हैं कि वो एग्जामिन करते हैं इन चीज़ों को कि एक्चुअली जो है वो रियल वो अपना जो माइंड लूज करते थे वो किसी और किसी प्रॉब्लम से करते थे या कुछ मेडिकल इश्यूज थे या सिर्फ मोस्टली जो नॉर्मल इमोशंस होते हैं प्ले के अंदर उन प्ले इमोशंस को ही एक मैडनेस की तरह प्रेजेंट किया गया है। तो ये इनका मेन फोकस है। गायनो क्रिटिसिज्म अटेम्प्ट टू री राइट द हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ वीमेन बीइंग लेस इंपॉर्टेंट दैन मैन इन दी वर्ल्ड अफेयर एंड इन पर्टिकुलर लिटरेचर। गायनो क्रिटिसिज्म जो है वो रीराइट करती है हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को और ये दिखाने की कोशिश करती है कि वीमेन बीइंग लेस इंपॉर्टेंट दैन मैन इन दी वर्ल्ड अफेयर कि हमेशा जो है हमेशा मैन को जो है सुपीरियर दिखाया जाता है और वीमेन को हमेशा उससे कम इम्पोर्टेंट दिखाया जाता है लिटरेचर के अंदर। तो ये सारा जो है गायनो क्रिटिसिज्म जो है ये स्टडी करती है। गायनो क्रिटिसिज्म पर्टिकुलर साइटेड इन द वर्क ऑफ एलन शोवाल्टर इज द स्टडी ऑफ राइटिंग एंड क्रिटिसिज्म दैट री इंटरप्रेट वीमेन लिटरेचर। गायनो क्रिटिसिज्म जो है वो क्या करती है स्टडी करती है राइटिंग और क्रिटिसिज्म का कि वीमेन को जो है लिटरेरी हिस्ट्री के अंदर कैसे दिखाया गया कैसे इंटरप्रेट किया गया कैसे उसकी व्याख्या की गई है वीमेन की। इट इज स्टडी ऑफ वीमेन लिटरेरी हिस्ट्री बाय वीमेन और बेसिकली ये जो है वीमेन हिस्ट्री को स्टडी करती है किसके द्वारा वीमेन के द्वारा यानी स्टडी जो है वीमेन की मेल नहीं करेंगे। मेल ने तो अभी तक जो उसकी स्टडी की है उसमें उसको दिखाया है या तो एंजल दिखाया है गोडेस दिखाया है या फिर उसको विच दिखाया है एज ए इंडिविजुअल जो है वो कहाँ स्टैंड करती है उसकी इंडिविजुअलिटी कहाँ पे है ये कहीं पे भी जो है नहीं दिखाया गया। तो इसका गायनोक्रिटिसिज्म का मेन फोकस ही है कि वीमेंस की स्टडी की जाएगी लेकिन किसके द्वारा वीमेन ही उसकी स्टडी करेंगे कोई मेल उनकी वीमेन की स्टडी नहीं करेंगे जो है वीमेन ही वीमेन की स्टडी करेंगे। तो ये इनका मेन फोकस है। हिस्टोरिकली प्रायर टू द 20th सेंचुरी वीमेन वर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पब्लिक स्पेयर। और ये कहती है कि जो 20th सेंचुरी से पहले वीमेन को जो है पब्लिक स्पेयर से जो है पब्लिक इश्यूज से जो है हमेशा बाहर ही रखा जाता उसको इंक्लूड नहीं किया जाता पब्लिक स्पेयर से। दस देयर राइटिंग वॉज सिम्बॉलिक ऑफ दैट सिलेक्शन एंड टेंडेड टू बी अबाउट मैटर्स ऑफ द होम यानी उसको मेल को फीमेल को जो है वीमेन को जो है सिर्फ फैमिली होम मैटर्स तक ही रखा गया है यानी कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सिर्फ वो होम तक ही सीमित है उसके जो काम करने की जो क्षमता है वो घर तक ही है मतलब पब्लिक लाइफ के लिए नहीं है वो। राइटर्स लाइक वर्जीनिया वुल्फ अटेम्प्टिंग टू ब्रेक फ्री ऑफ दीज लिमिटेशंस लिटरली और वर्जीनिया वुल्फ ने जो है वो इन जो भी ब्रेक्स थे ये इस टाइप के जो है सॉरी जिस टाइप के जो बाउंडेशंस थे उनको तोड़ा बट ऑल्सो इन अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट ए फेमिनिन आइडेंटिटी फ्री ऑफ मेल कंट्रोल और उन्होंने कोशिश की कि जो है एक फेमिनाइन आइडेंटिटी होनी चाहिए जो कि मेल कंट्रोल से फ्री हो। गायनो क्रिटिसिज्म इज द स्टडी ऑफ वीमेंस लिटरेचर एज ए डिस्टिंक्ट ब्रांच और गायनो क्रिटिसिज्म जो है वो वीमेंस लिटरेचर की जो है एक अलग ब्रांच है एज ए माइनॉरिटी लिटरेचर। वो अपने आप को ये मानती है कि वो कहीं ना कहीं एक अलग लिटरेचर में स्टैंड करती हैं जिसको वो अपने आप को माइनॉरिटी में मानती हैं यानी मेजोरिटी में कौन है मेजोरिटी में मेल राइटर्स है। द गोल इज टू इंटरप्रेट वीमेंस लिटरेचर फ्री ऑफ द पैट्रियार्कल और मिसगाइनोइस्ट टेंडेंसीज ऑफ क्लासिकल क्रिटिसिज्म विच टेंडेड टू प्रेज मैंस राइटिंग ओवर वीमेंस। और इनका गोल क्या है गायनो क्रिटिसिज्म का मेन गोल है कि वो इंटरप्रेट करना चाहती है वीमेन लिटरेचर को और कहाँ से वो फ्री होना चाह रही है पेट्रियार्कल और मिसगाइनोइस्ट टेंडेंसीज मतलब क्लासिकल क्रिटिसिज्म से लेके 20th सेंचुरी तक ये दिखाया जाता है कि जो मैन राइटिंग्स हैं मैन की राइटिंग्स जो है वो सुपीरियर है बजाय की वीमेन की और इसलिए जो है गायनो क्रिटिसिज्म का मेन फोकस है कि वो ऐसे ही लिटरेचर को लेके आए उसको सामने लेके आए जो कि फ्री हो पैट्रियार्कल बाउंडेशन से मिसगाइनोइड जो मतलब जो जेंडर बाइस्ड की जो चीज़ें हैं उनसे जो है अलग हटके जो है इस लिटरेचर को लेके आए। शोवाल्टर ट्रेसेस डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिन आइडेंटिटी थ्रू लिटरेचर इन थ्री फेजेस और शोवाल्टर जो है थ्री फेजेस के थ्रू जो है बताती है कि फेमिनाइन आइडेंटिटी कैसे जो है एग्जिस्ट करती है। प्रायर टू 20th सेंचुरी 20th सेंचुरी से पहले वीमेन वर द आइडियलाइज्ड फीमेल एज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेल डिजायर।
20th सेंचुरी से पहले वीमेन को जो है बहुत ज़्यादा आइडियलाइज्ड किया जाता था और जस्ट एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ मेल डिज़ायर, मतलब सिर्फ उसको ये माना जाता था कि मेल डिज़ायर का ऑब्जेक्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट फेज वाज फेमिनिज्म, उसके बाद नेक्स्ट फेज जो आया वो आया फेमिनिज्म का, एंड दिस वाज ए रिएक्शन टू दैट पैट्रियार्की, और ये जो है जो मेल पैट्रियार्की सोसाइटी थी उसके खिलाफ आया है, उसके रिएक्शन में आया है। दिस अकर्ड इन द 20th सेंचुरी, ये 20th सेंचुरी में आया है, एंड वाज हाईलाइटेड बाय द थियोरेटिकल राइटिंग्स के थ्रू आया, सिविल राइट मूवमेंट्स के थ्रू आया 1960s में, उस टाइम पे फेमिनिज्म आया। उसके बाद ये कहता है द मोस्ट रिसेंट फेज इज फीमेल, जो अभी रिसेंट का फेज चल रहा है वो फीमेल का है। दिस फेज डिफाइंस द फीमेल आइडेंटिटी फ्री फ्रॉम दोज पास आइडेंटिटीज, और ये कहती है ये जो फेज है फीमेल आइडेंटिटी का फेज है, इसके अंदर जो है पास्ट की जो आइडेंटिटी थी उससे जो है वो फ्री हो गई है। मेल डोमिनेटेड क्रिटिसिज्म, यानी मेल डोमिनेटेड जो क्रिटिसिज्म थी उससे फ्री हो गई है। गायनो क्रिटिसिज्म इज द री इंटरप्रेटिंग ऑफ वीमेन इन लिटरेचर, गायनो क्रिटिसिज्म दोबारा से जो है इंटरप्रेट करती है, व्याख्या करती है वीमेन की लिटरेचर के अंदर एंड हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर। दिस इज अ टाइप ऑफ फेमिनिज्म, ये एक टाइप का फेमिनिज्म है गायनो क्रिटिसिज्म। This type of criticism supplemented the historical liberation of women and was significant in that it was carried out and interpreted by women. और ये जो criticism है ये basically women के द्वारा write किया जाएगा, women की liberation के बारे में होगा और interpret भी women के द्वारा ही किया जाएगा। As a side note, part of this field of criticism was a reaction to recent literary theories. और एक टाइप से जो गायनो क्रिटिसिज्म है ये एक रिएक्शन है कि इसके जो लिटरेरी थियरीज हैं, कौन सी लिटरेरी थियरीज, विच वाज आल्सो प्रोड्यूस एज ए मैस्कुलिन प्रैक्टिस, जिसके अंदर सिर्फ मेल की ही जो बारे में सुपरियोरिटी के बारे में ही जो थियरीज है उनके खिलाफ भी एक रिएक्शन है। इट सर्टेनली वाज अ रिएक्शन टू द फेलोसेंट्रिक थियोरी फ्रॉम फ्रोडियन साइकोअनालिसिस दैट सजेस्टेड वेमन फेल्ट और इवन फ्रियर टू मैन, ये सिगमंड फ्रॉयड की जो थियोरी है साइकोअनालिसिस की, उसके बारे में बोल रहे हैं कि जो उन्होंने थियोरी दी है कि उनके अंदर उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है कि जो वीमेन है वो मैन से इन्फीरियर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी टू बी क्रिएटिव मैन को जो है क्रिएटिव दिखाया गया है वीमेन है। तो अगर वो उनके कहने का ये है कि अगर फीमेल को क्रिएटिव बनना है तो दे वीमेन हैड टू एक्ट मैस्कुलिन, तो उसको मैस्कुलिन की तरह जो है एक्ट करना पड़ेगा। सो गायनो क्रिटिसिज्म एंड अदर रेलिवेंट थियोरीज डिस्पेल्ड दिस आइडिया एज ए सोशली कंस्ट्रक्ट जेंडर बायस्ड, तो जो गायनो क्रिटिसिज्म है बेसिकली वो ऐसी थियोरीज को जो है वो क्रिटिसाइज करती है, और क्योंकि ये जो थियोरीज हैं और उनके आइडियाज को भी जो है क्रिटिसाइज करती है कि ये जो थियोरीज हैं साइकोअनालिसिस थ्योरी जो दी गई है ये जो है वो जेंडर बायस्ड हैं, और इसके अंदर जो फीमेल को जो है इन्फीरियर दिखाया गया है वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये जो है मेन कंसेप्ट था गायनो क्रिटिसिज्म का। नेक्स्ट राइटर हैं हेलन सिजो जो है बॉर्न 5 जून 1937 के अंदर बॉर्न हुई और एन अल्जीरिया के अंदर, इज अ प्रोफेसर फ्रेंच फेमिनिस्ट राइटर पोइट प्ले राइट फिलोसफर लिटरी क्रिटिक है। सिजो इज बेस्ट नोन फॉर हर आर्टिकल द लाफ ऑफ मेडूसा विच एस्टैब्लिश हर वन ऑफ द अर्ली थिंकर इन पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म के अंदर जो है वो उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है लाफ ऑफ द मेडूसा। शी फाउंडेड द फर्स्ट सेंटर ऑफ फेमिनिस्ट स्टडीज एट ए यूरोपियन यूनिवर्सिटी at the Central University of the Vincennes of the University of Paris. तो यहाँ पे जो है वो feminist studies के अंदर जो है इन्होंने जो है कहा, she founded the first center of feminist study का जो है first center जो है यहाँ पे found किया। उसके बाद है सिजो major work of criticism include the newly born women, उनका important criticism work है the newly born woman 1975 के अंदर पब्लिश हुआ, कमिंग टू राइटिंग 1977, थ्री स्टेप्स ऑन द लेटर ऑफ राइटिंग 1991 एंड स्टिग्मेटा सर्वाइविंग टेक्स्ट 1998। शी इज आल्सो द ऑथर ऑफ न्यूमरस प्लेज एंड वर्क्स ऑफ फिक्शन।
रिसेंट पब्लिकेशन इन इंग्लिश ट्रांसलेशन इंक्लूड ड्रीम आई टेल यू 2006 में पब्लिश हुआ एंड एंटी साइको एनालिटिकल ड्रीम डायरी द डे आई वॉजंट देयर 2006 ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द बर्थ एंड डेथ ऑफ द ऑथर्स फर्स्ट चाइल्ड ए डाउन सिंड्रोम बेबी रेवरिस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड वीमेन 2006 ए पोस्ट कॉलोनियल मेडिटेशन ऑन फ्रेंच अल्जीरियन एंड Jewish Identity and Portrait of Jacques Derrida as a Young Jewish Saint 2003 में पब्लिश हुआ and Analysis of the Complex Jewish Identity of the Anglo-Franco-Algerian. ये कुछ इनके important works थे, articles थे, plays थे, तो ये आप जरूर read कीजिए. Next है इनका जो most important essay हैं जिनके अंदर जो important term इन्होंने दी है creature feminine वो है द लाफ ऑफ मेडूसा 1975 के अंदर ये पब्लिश हुआ था. सिजु क्रिटिकल फेमिनिस्ट ऐसे द लाफ ऑफ मेडूसा ओरिजिनली ट्रेंड इन फ्रेंच फ्रेंच में एक्चुअली ओरिजिनली जो ये है फ्रेंच में लिखा गया था और किस नाम से लिखा था ली रायर डी ला मेडूसा इन 1975 आफ्टर शी रिवाइज्ड इट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय पाउला कोहेन एंड केथ कोहेन इन 1976 के अंदर जो है इन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया. इट हैज़ बिकम ए सेमिनल एसे पर्टिकुलर बिकॉज इट अनाउंसेस द व्हाट सिजु कॉल ए क्रीचर फेमिनिन. क्रीचर फेमिनिन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. ए डिस्टिंक्ट मोड ऑफ राइटिंग फॉर वीमेन एंड बाय वीमेन. ये एक अलग से जो है मोड ऑफ राइटिंग होगा वीमेन के लिए. Introduced by Helen Sizo in her essay The Laugh of Medusa, a creature feminine refers to a uniquely feminine style of writing characterized by disruption in the text such as gaps, silences, puns, new images, so on. Actually, a creature feminine है क्या? Creature feminine जो है वो Sizo ने जो है इसको बताया है कि ये एक अलग type की जो है feminine writing होगी. मतलब ऐसी राइटिंग जो है आज तक सिजो ये मानती है कि अभी तक जितनी जो भी राइटिंग चली आ रही है वो मेल डोमिनेटेड राइटिंग है और बेसिकली जो है वो फीमेल के जो फीलिंग्स है इमोशंस है इनको कम्प्लीटली जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं वो उसके अंदर वो अपनी जो फीलिंग्स है डिज़ायर्स है वो कम्प्लीटली जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाती. तो इसलिए जो है फीमेल्स की अपनी खुद की जो है एक लैंग्वेज होनी चाहिए और उसी में जो है फीमेल्स जो है वो राइट करे. तो उस राइटिंग को जो है उन्होंने नाम दिया है क्रीचर फेमिनिन का कि एक अलग टाइप की राइटिंग हो एक अलग तरीका हो राइटिंग का जो कि फेमिनिन हो. और इसके अंदर वो कहते हैं कि क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए. ये कहता है इसके अंदर डिस्ट्रप्शन इन द टेक्स्ट के अंदर डिस्ट्रप्शन होना चाहिए गैप्स होने चाहिए साइलेंसेस होने चाहिए पंस होने चाहिए और न्यू इमेजेस होनी चाहिए इस राइटिंग के अंदर. इट इज़ असेंट्रिक ये कहता है ये स्ट्रेंज टाइप की होनी चाहिए असेंट्रिक होनी चाहिए इनकम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए यानी ऐसी राइटिंग होनी चाहिए जो आसानी से समझ में ना आए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इनकंसिस्टेंट. और इनकंसिस्टेंट मीन्स कि इसके अंदर जो है लीनियरिटी ना हो कि एक ही टाइप से जो है चलती जाइए इसके अंदर अप एंड डाउन होने चाहिए एंड द डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू. अब ये साथ में ये भी बोल रही है कि राइटिंग ऐसी होनी चाहिए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि जो है समझने में मुश्किल हो. ये कहता है इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू सेंचुरीज. ये क्यों इस लैंग्वेज के अंदर ऐसा क्यों होना चाहिए बिकॉज ये कहता है सेंचुरीज ऑफ सप्रेशन ऑफ फीमेल वॉइस. सेंचुरीज से जो है फीमेल की वॉइस को जो है वो सप्रेस किया गया है उसको दबाया गया है विच नाउ स्पीक्स इन ए बोरोड लैंग्वेज. लेकिन अगर वो बोल रही है तो वो एक ऐसी लैंग्वेज में बोल रही है जो कि बोरोड है उसकी खुद की लैंग्वेज नहीं है. वो ये काम मानती है कि जिस लैंग्वेज के अंदर फीमेल वीमेन अभी राइट कर रही हैं वो एक बोरोड लैंग्वेज है वो उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं है. तो उनको अपनी खुद की लैंग्वेज जो है वो इन्वेंट करनी चाहिए जिसको वो नाम देती हैं ए क्रीचर फेमिनिन. उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन जो है वो सिजो ने दी है राइट फॉर इट इज राइटिंग इज फॉर यू. राइट करें आप राइटिंग इज़ फॉर यू. राइटिंग तुम्हारे लिए है यू आर फॉर यू. तुम अपने लिए हो यूर बॉडी इज़ यूअर्स. आपकी बॉडी आपकी है टेक इट. तो ये बहुत ही फेमस कोटेशन है. एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो है कोटेशंस में भी आ सकता है ये किस फेमस फेमिनिस्ट राइटर की कोटेशन है. तो ये हेलन सिजो ने जो ये कोटेशन ये इनकी इम्पोर्टेंस ये कोट है.
सिजु स्टेटेड दैट वीमेन मस्ट राइट अबाउट देयर ओन सेल्फ एंड देयर बॉडीज। सिजु ये मानती है कि वीमेन्स को जो है अपने खुद के बारे में, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में राइट करना चाहिए। ए क्रीचर फेमिनिज इज करेक्टराइज बाई ए फेमिनिन लॉजिक ऑप्टिंग फॉर ओपननेस, इंक्लूसिवनेस, डिग्रेशन एंड प्ले। दैट सिजु अपोजिज टू ए मैस्कुलिन मोड दैट इज यूटिलिटेरियन, अथॉरिटेरियन, इलिटिसिस्ट एंड हायरार्की। ए क्रीचर फेमिनिन के जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो ये कहते हैं कि सिजु अपोज करती है, किसका अपोज करती है, मैस्कुलिन मोड ऑफ राइटिंग का अपोज करती है। वो ये मानती है कि जो जो राइटिंग है मेन जो वो जो है मैस्कुलिन राइटिंग है, और उसके अंदर क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म है, अथॉरिटी है बहुत ज़्यादा, मेल की हायरार्की है यानी मेल को ही ज़्यादा जो है सुपीरियर दिखाया जाता है। जबकि एग्रीचर फेमिनिन के अंदर क्या होगा, एग्रीचर फेमिनिन के अंदर ओपननेस होगी कि फीमेल जो है जैसे चाहे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, इंक्लूसिवनेस होगी। उसके बाद ये कहता है इसके अंदर जो है वाइड रेंज होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, बहुत सारे एरियाज होंगे जिसके अंदर फीमेल राइट कर सकती है, यानी उसके ऊपर बाउंडेशंस नहीं होगी। एग्रीचर फेमिनिन का मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज होगी जिसके अंदर वो फ्री होंगे, डिग्रेशंस होंगे एंड प्ले। डिग्रेशंस एक टेम्परी डिपार्चर होगा कि एक अगर अभी एक टॉपिक चल रहा है तो किसी अगर और दूसरे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही है तो ये इट मींस कि वो टोटली फ्री होगी, वो कुछ भी यूज कर सकती है, एक ओपननेस होगा उसकी लैंग्वेज के अंदर, जिसको कि एग्रीचर फेमिनिन जो है सिजु बोल रही है। नेक्स्ट है सिजु कमांड्स वीमन टू फोकस ऑन इंडिविजुअलिटी, पर्टिकुलरली द इंडिविजुअली ऑफ द बॉडी। सिजु मान ये कमांड करती है कि वीमन को अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, और उसको स्पेशली वो कहती है उसकी बॉडी की जो इंडिविजुअलिटी है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, एंड टू ट्राई टू रीडिफाइन सेल्फ आइडेंटिटी, उसकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को रीडिफाइन दोबारा से डिफाइन करना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री के बारे में नरेटिव और कैसे अभी तक उसको बताया गया था उसके बारे में। सिजु कॉल्स फेमिनिन मोड ऑफ राइटिंग वाइटिंग और एक्रेचर फेमिनिन, जो है सिजु जो है फेमिनिन मोड ऑफ राइटिंग को बोलती हैं, वाइटिंग भी कहती हैं और एक्रीचर फेमिनिन भी कहती हैं। इन हर सर्च फॉर द एक्रीचर फेमिनिन ए फेमिनिन राइटिंग प्रैक्टिस, सिजु सजेस्ट दैट सच ए फेमिनिन राइटिंग कैन नेवर बी थायराइज्ड एंड क्लोज्ड कोडेड। और ये कहते हैं फेमिनिन राइटिंग जो है वो ऐसी होगी जिसको जो है थियराइज नहीं किया जाएगा, एंड क्लोज नहीं होगा, उसको कोडेड में नहीं होगा। इट मीन्स This writing can help escape to an elsewhere beyond the oppressive identities of binaryism. यानी वो ये कहती हैं कि जैसे binary system में होता है कि male superior है, female उसके opposite में है, inferior है, तो ये कहते हैं कि एक ऐसी writing होगी जो कि beyond होगी उन सब से, मतलब binaryism से जो है oppose होगी, जहाँ पे inferior और superior नहीं होगा, और वो जो oppressive ये जो identities होती हैं उससे जो है वो एक अलग होगी, elsewhere होगी। इन एक्रीचर फेमिनिन ए सेलिब्रेटरी एंड एस्टेटिक टोन इज विजिबल इन दिस राइटिंग विच रेंजेस इन स्टाइल फ्रॉम पोएटिक टू डेंसली थियोरेटिकल। और ये कहता है कि ऐसा स्टाइल होगा जिसके अंदर वाइड रेंज होगी राइटिंग के अंदर, जिसके अंदर जो है स्टाइल जो होगा वो पोएटिक भी होगा और थियोरेटिकल भी होगा। द यूज ऑफ स्लैंग एंड कोलोकियलिज्म, उसके अंदर जो है स्लैंग्स भी होंगे और डे टू डे लाइफ के कॉमन वर्ड्स भी होंगे, मतलब लैंग्वेज कैसी होगी, सिंपल भी होगी, यूनिक भी होगी, स्लैंग्स भी होंगे और डे टू डे के वर्ड्स भी होंगे, एंड यूज ऑफ हाई रेटोरिक और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के जो है स्टैंडर्ड्स जो है वो भी होगा। दैट इज व्हाट सिजु डिस्क्राइब्स एज फ्लाइंग इन लैंग्वेज एंड मेकिंग इट फ्लाई। और सिजु जो है उसको डिस्क्राइब करती है वो लैंग्वेज कैसी होगी, फ्लाइंग इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में फ्लाई करेंगे एंड मेक इट फ्लाई, और लैंग्वेज को भी फ्लाई करने देंगे, यानी इस टाइप की लैंग्वेज होगी जिसमें मोस्टली सिजु का कहने का मतलब क्या है, सिजु ये कहना चाह रही है कि एक ऐसी लैंग्वेज होगी जिसमें कि फीमेल जो है वो किसी बाउंडेशन में जो है राइट नहीं करेगी, वो फ्री होगी। अगर वो स्लैंग यूज़ करना चाह रही है तो स्लैंग यूज़ करेगी, अगर वो हाई रेटोरिक लैंग्वेज यूज़ करना चाह रही है तो वो कर सकती है, अगर वो डे टू डे लाइफ के वर्ड्स यूज़ करना चाहती है तो वो यूज़ कर सकती है, यानी वो उसकी अपनी लैंग्वेज होगी, फेमिनिन लैंग्वेज होगी। ए फेमिनिन टेक्स्ट इज फॉर सेजो नेवर एनीथिंग अदर देन सबवर्सिव। दिस सबवर्सिवनेस ऑफ अ क्रिएचर फेमिनिन इज रिजेक्शन ऑफ सच ए रिप्रेसिव बाइनरी लॉजिक। अब ये कहती है जो फेमिनिन टेक्स्ट होगी वो एक टाइप से जो है सबवर्सिव होगी, सबवर्सिव मतलब जो एक टाइप के नॉर्म्स होंगे
टाइप का जो इंस्टीट्यूशंस जो अभी तक जो सिस्टम चला आ रहा था लैंग्वेज का और जो आइडियाज का, उसको उसको जो है ये सबवर्ट करेगी, यानी इसको जो है टोटली इसका अपोज करेगी। और ये सबवर्सिवनेस ये कहता है क्या होगा, किस चीज़ का रिजेक्शन होगा, ये रिजेक्शन होगा जो अभी तक एक बाइनरी सिस्टम जो चला आ रहा था रिपर्सिव, जो कि फीमेल को दबाने वाला जो सिस्टम था बाइनरी सिस्टम, उसके खिलाफ होगा, जिसके अंदर मैन को सुपीरियर दिखाया जा रहा है, विमेन को इन्फीरियर दिखाया जा रहा है। थ्योरेटिकल क्रिएटिव नेचर कल्चर इनसाइड आउटसाइड, यानी इसका जो ये जो बाइनरी लॉजिक है इसका पूरी तरह से रिजेक्शन करता है फेमिनिन, सॉरी ए क्रिएचर फेमिनिन। दी स्टोरीज नीड टू बी रीटोल्ड, और ये कहता है ए क्रिएचर फेमिनिन जो है ये कहती है स्टोरीज नीड टू बी रीटोल्ड, स्टोरीज को दोबारा रीटोल्ड किया जाए विदाउट द ऑप्रेसिव लॉजिक ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी। यानी अभी तक जो स्टोरीज जो है फीमेल स्टोरीज जो है अभी तक जो बताई जाती थी उनको जो है पेट्रियार ऑप्रेसिव लॉजिक के साथ जो है उनको दिखाया जाता था और पेट्रियार्कल सोसाइटी की स्टोरीज होती थी, ये कहता है अब ऐसी स्टोरीज राइट की जाएंगी, दोबारा रिटोल्ड की जाएंगी और जो कि फ्री होंगे पेट्रियार्कल सोसाइटी से जो है वो फ्री होंगे। तो ये जो है क्रिएचर का मेन फोकस है। इम्पोर्टेंट वर्क्स, और अब जो है इम्पोर्टेंट वर्क्स जो है वो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो है मैरी वुल्स्टोनक्राफ्ट का है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वीमन 1792 के अंदर पब्लिश हुआ, सीमेन डिबुआ द सेकंड सेक्स 1972, गर्मेन ग्रीडर द फीमेल यूनक 1970, एलन सीजो द लाफ ऑफ मेडूसा 1975, एलन शो वॉल्टर ए लिटरेचर ऑफ देयर ओन 1977, गिलबर्ट एंड गुबार्स द मैड वेमेन इन द एटिक 1979, लुइस इरिगेरे सेपेक्वेलम ऑफ द अदर वीमेन 1985, ट्रॉलमॉय सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स फेमिनिस्ट लिटरेरी थेरी 1985। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे फेमिनिस्ट फेमिनिज्म से रिलेटेड। तो ये जो है एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स आपको ईयर वाइज जो है वो क्रॉनिकल ऑर्डर में भी जो है राइट करने दिए जा सकते हैं और राइटर्स के साथ जो है मैच करने भी दिए जा सकते हैं। और कुछ ये दो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टूडेंट्स, और ये नेट के ही क्वेश्चंस हैं। तो ये 2017 का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है नवम्बर 2017 के अंदर नेट के अंदर जो आया था, तो उसके अंदर जो है ये राइटर्स और उनके वर्क्स को जो है मैच करना दिया गया था। तो नंबर वन पे था सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सेकंड था लिटरेचर ऑफ देयर ओन, थर्ड था थिंकिंग अबाउट वीमन और फोर्थ था द लाइफ ऑफ मेडूसा। तो इनको आपको मैच करना था। तो ये इसके राइट आंसर है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो है वो राइट किया था केट मेलिट ने, लिटरेचर ऑफ देयर ओन एलन शो वॉल्टर, थिंकिंग अबाउट वीमन जो है वो मैरी एलमन का था और जो लाइफ ऑफ मेडूसा जो कि अभी हमने डिस्कस किया है वो एलन सीजू का था। तो इसका राइट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट 2011 के अंदर दिसंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट, कि इनमें से कौन से राइटर जो है वो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं। तो ऑप्शंस थे हेलेन सीजो, मोनिका विटिंग, सिमोन डी बुआ, लुइस इगरेरे, ये जो है ऑप्शंस थे और इसका राइट आंसर था हेलेन सीजो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।